भाई कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई TVS XL 100 हैवी ड्यूटी की कोई अपडेट हो तो बताओ। तो भाई मैं शोरूम में आया और मुझे पता चला कि भाई हैवी ड्यूटी में भी आपको एक नई अपडेट देखने को मिलेगी, और वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ किक स्टार्ट वाला मॉडल भी अब आपको मिल जाएगा, मतलब कि बिना सेल्फ वाली ये मोपेड भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे ये TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आप देख रहे हैं, इसमें एक आती है कम्फर्ट, जिसमें वो सिंगल सीट रहती है, आगे वाइजर रहता है, वो जैसे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिससे वो सुंदर दिख सके। बट यहाँ पर जो आप हैवी ड्यूटी देख रहे हैं, इस पर आप कोई भी सामान लाद के आप अपने बिजनेस व्यापार किसी भी प्रकार का काम करते हैं जिस पर आपको सामान लादना होता है, इधर उधर ले जाना होता है, तो वहाँ उस जगह पर ये मोपेड आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। तो इसमें क्या अपडेट हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मॉडल और डिज़ाइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती थी वही आपको मिलती है, DRL यहाँ पर आपको मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 130mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, पीछे आपको 110mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। टायर घुमाना राहुल भाई, जरा टायर दिखाओ जरा, 250/16 का ट्यूब वाला टायर मिलता है क्योंकि ये स्पोक व्हील्स हैं। आगे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी दिखाना जरा, 250/16 का ट्यूब वाला टायर मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ रिफ्लेक्टर मिलते हैं, मीटर यहाँ से चलता है। लेकिन अब इधर उधर की बात करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। इंजन देखो भाई आप, XL 100 का पहले इसमें 2-स्ट्रोक इंजन आता था जिसमें 2TIL पड़ता था, बट अब आपको इसमें 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है। मतलब कि जब से XL 100 आई है तब से ही मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से मिल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। इसमें जैसे जो साइलेंट स्टार्ट आता है वो साइलेंट स्टार्ट इसमें आता है, लेकिन आप चाहें तो जैसे किक के साथ और साइलेंट स्टार्ट के साथ खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ किक के साथ खरीद सकते हैं। और ये E20 वाला मॉडल मैं बिल्कुल लेटेस्ट मोपेड आपको दिखा रहा हूँ अब, जिसमें मैं भी आपको प्राइस बताऊंगा, इंटरेस्टिंग प्राइस। यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले हाई बीम लो बीम, और ये नहीं नहीं ये ऑन ऑफ की है, ये हाई बीम लो बीम की है, ये इंडिकेटर की है, ये हॉर्न की है, और ड्यूल ब्रेक है, देखिए दोनों ब्रेक हैं। यहाँ पर छोटा सा मीटर आपको मिल जाता है, यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, अभी कुछ ऑन नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई बटन नहीं है, पहले इसमें आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट की बटन मिलती है, जो साइलेंट स्टार्ट इसमें रहता है वो बटन मिलती है, लेकिन अब आपको किक स्टार्ट में मिलेगी। कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आप सेल्फ स्टार्ट कम्फर्ट वम्फर्ट लेंगे वो आपको लगभग 65,000 तक मिलेगी, लेकिन ये मोपेड आपको 50,000 रुपये के आसपास मिलेगी, और इसमें सिर्फ किक स्टार्ट है, सेल्फ नहीं है। इसलिए आप ध्यान से सुने कि मैं आपको किक वाले मॉडल का प्राइस बता रहा हूँ, ये आपको मात्र 49,600 मतलब 50,000 के आसपास, मैं रोड टैक्स इंश्योरेंस बता रहा हूँ। और बाकी अगर आप कोई एसेसरीज लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, तो उसके लिए आपको शोरूम पर संपर्क करना पड़ेगा, और ये शोरूम जो है वो है क्रिसेंडो TVS लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मैं इनका फ़ोन नंबर हुआ तो ज़रूर दे दूँगा। आप यहाँ पर TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और हाँ, अगर आप जैसे बाइक पॉइंट का नाम लेकर आएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, अगर आप बताएँगे भाई बाइक पॉइंट चैनल की वीडियो देख कर आ रहा हूँ तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप हमारी वीडियो देख कर जाएँ तो आप ज़रूर ध्यान दें कि नाम ले लें, जिससे आपको डिस्काउंट ज़रूर मिल जाए। यहाँ पर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर भी इसमें उपयोग किए गए। इसी पे बैठो भाई, राहुल भाई देखो कैसे लगते हो, इस पे ही बैठो, बढ़िया तो लग रहे हो यार। कब स्टैंड पे ही पैर पहुँच रहा है, बहुत अच्छा। अब सबसे पहले हम जैसे इसकी सीट हाइट की बात करें तो 780mm सीट हाइट है, गियरलेस ये मोपेड है, 144mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मात्र 86 किलोग्राम इसका वजन है भाई। तो यहाँ पर वजन ज़्यादा नहीं है, 4 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। वहीं इंजन की बात करें तो इसमें 99.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड गियरलेस इंजन आपको मिलता है, जिसमें आपको 4.3 HP की पावर मिलती है 6000 RPM पर, 6.5 Nm की टॉर्क मिलती है 3500 RPM पर। तो ये है भाई मोपेड। माइलेज आप पूछेंगे, 50 के आसपास माइलेज मिलेगी, जैसा आप सामान लादेंगे, जैसा आप चलाएंगे, वैसे ही आपको माइलेज मिलेगी, कम या ज़्यादा या घटती या बढ़ती रहती है, ये आप ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर हैवी ड्यूटी का क्या मतलब हुआ, जो हैवी ड्यूटी होती है दोस्तों, तो वहाँ पर ये जो सस्पेंसन है ये वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगाया जाता है, जिससे जब आप सामान लादें तो ये दबे ना, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर ये दबाकर भी दिखा रहा है अपना भाई, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से दी जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर नए स्टिकर आपको मिल जाते हैं भाई, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर पीछे भी हैं, और
ये पीछे का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। और हैवी ड्यूटी में आपको ड्यूल सीट मिल जाती है, और सीट को आप खोल के और इस पर कोई भी सामान लाद सकते हैं। मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये वाली, यहाँ से लॉक से आप सीट खोल सकते हैं, तो ये सुविधा आपको मिलती है। ये मोपेड आपको कैसी लगी? ये जो अपडेट आई वो मैंने आपको बता दी है, प्राइस माइलेज फीचर्स वीचर्स सब कुछ आपको बता दिए हैं। अब आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए प्राइस तो मैंने बताई है 50,000 के आसपास। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।